किसी को नहीं बता रहा, नहीं कौन सी कितनी तरह की इसके पार्ट? हाँ तीन बार बनाएंगे नहीं पता, सीधी सी बात है तीन नंबर में होती है। अब होते कौन से नाम है? हार्दिक अनार वो ये बताओ। चलो ये जो अर्थव्यवस्था होती है हमारे पास तीन तरह की होती है। इस ध्यान रखना, ये जो तीन नाम लिखे हुए हैं इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। भारत पूंजीवादी है, मिश्रित वादी है, अर्थवादी है, ऐसा है क्या? भारत जो है ना पूंजीवादी है या समाजवादी है, ऐसे क्वेश्चन है ना? हाँ बिल्कुल मिश्रित वादी है। तो इससे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई एक मिक्स इकोनॉमी होती क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, समाजवादी मीन्स एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होती क्या। ध्यान रखना इनके और भी नाम है, ये भी क्वेश्चन आया, ये भी इससे ऐसे भी क्वेश्चन आया था। सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो है उसको हम केंद्रीय योजनाबद्ध भी बोलते हैं, सेंट्रलाइज इकोनॉमी भी बोलते हैं। और यहाँ पर इसको मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है। चलो तो भी सही कर सकते मार्केट इकोनॉमी, और ये मिक्स की मिक्स ही रहती है इनके दोनों, मार्केट इकोनॉमी और ये सेंट्रलाइज। ठीक है भाई, तो अब ये देखते हैं सबसे पहले समाजवाद पे आ जाते हैं हम लोग। तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखना ये इसके पीछे क्या लग रहा है, वाद, और ये वाद। ये किसी का ध्यान रखना, किसी भी शब्द के पीछे अगर वाद लगता है तो वाद शब्द का मतलब होता है विचारधारा, एक फिलॉसफी होता है। ठीक है, इंग्लिश में आईएसएम होता है। क्या होता है? आईएसएम, जैसे कि टेररिज्म होता है ना, आईएसएम लगता है उसके। ठीक है, इसी तरह से ये सोशलिज्म से बना है। सोशलिस्टिक वर्ड जो है किससे बना है? सोशलिज्म से बना है। और इसके पीछे लगता है आईएसएम, मतलब कि एक विचारधारा, एक फिलॉसफी है। अब ये फिलॉसफी कैसी है? तो समाजवादी से बात को हटा दिया हमने, पीछे क्या रह गया? समाज रह गया। यानी कि ये एक ऐसी फिलॉसफी है, ये एक ऐसी विचारधारा है जो समाज के बारे में सोचती है। इसके बारे में? समाज के बारे में। यहाँ पर लोग सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखते, पूरे समाज का। ठीक है, और इसके अब जस्ट अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट है पूंजीवाद। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोग किसके बारे में सोचते हैं? पैसे के बारे में सोचते हैं, हमारे पास पैसा आना चाहिए बस। ठीक है, जितने रिसोर्सेज हम इकट्ठे कर सके अपने पास आने दो। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले इसके बारे में पूरा कर लेते हैं इसको, समाजवादी अर्थव्यवस्था। सबसे पहले तो इसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो गवर्नमेंट ऑन होते हैं। ठीक है, सरकार का अधिकार होता है, लिखते जाना है इनको, ये विशेषता है इनकी। ठीक है, दूसरे नंबर पर